दुनिया में ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। हालांकि जब इनकी जानकारी हमें होती है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और हमेशा की तरह आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कुत्तों तक को नागरिकता दी जाती है। आमतौर पर अपने देश में एक संयुक्त परिवार में ही 25 से 30 सदस्य हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसमें कुल 38 नागरिक रहते हैं, जिसमें से 3 कुत्ते भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यह एक माइक्रोनेशन है जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ मलेशिया है। एक आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस देश के नागरिकों की लिस्ट में 3 कुत्ते भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये देश अमेरिका के नेवादा के पास है और इसका तानाशाह केविन बाग नाम का एक शख्स है। आपको बता दें कि इस देश में कुत्तों को भी नागरिकता मिलती है और तानाशाह केविन बाग खुद को आजाद देश का शासक मानता है और इसलिए वो हमेशा मिलिट्री के वर्दी में रहता है जिस पर कई सारे मेडल लटके रहते हैं और उसने खुद से ही खुद को तानाशाह का टाइटल दे रखा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।